लाएंगे। टाइमिंग में हमें जो हमारा मैग्नेट है, इसकी जो टी का मार्क्स है, इसके साथ हमें टाइमिंग का मैच करना है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर डॉट भी लगा हुआ है, हमें इसके साथ मैच करना है। और ये जो टी का निशान है इधर, ये वाला जो टी का निशान है, ये हमें मैच करना है ऊपर इस वाले होल से। देखो कट बना हुआ है, इसमें छोटा सा होल बना हुआ है, तो मैं इसको डाल देता हूँ इसमें। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर टी का मार्क्स इसके साथ मैच कर रहा है इधर, ये देखो इधर। और ये पॉइंट जो है डॉट लगा हुआ, ये इसके साथ मैच कर रहा है। अगर हम इसको चला रहे हैं तो देखो दोस्तों काम कैसे करता है। अभी जो जीरो यहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है, तो जब जैसे हम इसको मैग्नेट को आगे तरफ चलाते हैं तो देखो हमारा वाल दबेगा है, ये वाल दब रहा है, तो हमारा सक्शन स्ट्रोक चल रहा है और ये टाइट हो रहा है, बंद हो गया हमारा वाल। उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है, ये हार्ड हो गया। और जैसे जीरो यहाँ पर आए, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, देखो इधर इधर देखो, तो यहाँ पर ब्लास्ट होता है। अभी पिस्टन हमारा टॉप पे है और पावर में हमारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा और फिर से हमारा एग्जास्ट वाल ओपन होगा। यहाँ से एग्जास्ट वाल ओपन होने के बाद फिर से सक्शन स्ट्रोक चल जाएगा और इनलेट वाल हमारा दबेगा। तो ये हमारी टाइमिंग रहेगी इसकी। अभी मैं यहाँ पर टाइमिंग चेन का स्प्रिंग डालता हूँ इसमें। ये टाइमिंग चेन रोलर होता है जो इस पर प्रेशर डाल के रखता है। अभी मैं इसमें डालता हूँ, ये हमारा पिस्टन है जो कि टाइमिंग चेन को पीछे की तरफ पुश करेगा। और मैं अभी स्प्रिंग डालता हूँ इसमें, यहाँ पर देखो। ये जो स्प्रिंग है ये इस पर प्रेशर डाल के रखता है और ये जो पुश रोड है ये इस तरह से इसमें काम करेगी। जो हमारी टाइमिंग चेन पे जो प्रेशर आता है उसको ये अब्सॉर्ब करता है। तो अभी मैं इसको टाइट कर देता हूँ। अभी दोस्तों हमने क्या करना है, इसके जो इग्निशन कॉल प्लेट है उसको लगाना है और यहाँ पर हम हल्का सा ग्रीस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे दो रिंग बैठते हैं, ये वाले छोटे 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 दो रिंग हैं, इसको हमें बिठाना है यहाँ पर। एक को हम ऊपर बिठा देते हैं और एक को बिठाएंगे यहाँ पर नीचे। और उसके बाद जो कॉइल प्लेट है हमारी, इग्निशन कॉइल प्लेट, इस पर भी हम हल्का सा ग्रीस लगा देते हैं अंदर की तरफ। इसके सॉफ्टनेस के लिए और इसके चारों तरफ हम हल्की हल्की एनामोल लगाएंगे ताकि लीकेज ना हो। हल्की हल्की लगानी है, नहीं तो निकालते दोबारा प्रॉब्लम होती है। वैसे स्टार्टिंग में इसको हम ग्रीस के साथ लगाते हैं, हल्की हल्की ग्रीस यूज़ करते हैं, बट जब पुरानी हो जाती है बाइक तो उसमें लीकेज की प्रॉब्लम रहती है। तो हम इसमें हम एनामोल लगा के फिर इसको लगाएंगे। इग्निशन प्लेट को हम इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर। ये हमें होल मैच करने हैं इसके और इसको बिठा देना है। और इसके जो स्क्रू हैं दो हम इसमें लगा देते हैं यहाँ पर। और एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम टाइट करते हैं। अभी हम मैग्नेट को भी टाइट कर लेते हैं इसमें। बिल्कुल टाइट है, इसमें नट लगाते हैं हम यहाँ पर। अभी ये हम मैग्नेट मोशन पुलर को लगाएंगे जो कि इसके मोशन को रोकेगा यहाँ पर। इसको ऐसे लगा कर
अभी हमने इसको इस 14 नंबर के नट को टाइट करना है इस तरह। अभी हमारे ये जो 8 नंबर के बोल्ट रह गए थे इसको भी टाइट कर लेते हैं। ये हो गया टाइट। अभी ये ग्रूवमेंट लगा देते हैं इसमें, हल्की से एनामोल लगाएंगे ताकि ऐसे लीकेज ना हो। इस ग्रूवमेंट को हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। और अंगूठे के साथ इसको पुश कर देंगे। ये लग चुका है देखो। अभी हमने ये साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारी न्यूट्रल वायर की होती है जो मीटर में शो करती है, ये यहाँ पर लगेगी। इसको मैंने लगा दिया है, ये ऐसे बैठेगी इसमें। ये लग चुकी है, अब इधर का कंप्लीट करना हमें। अभी हमने इसमें क्या किया है, इसकी एक ऑयल सील को रिप्लेस किया है, ख़राब हो चुकी थी बीच में, टूट गई थी, इसमें हमने नए लगाए हैं। अभी ये रोटर ऑयल फिल्टर जो है अभी हमने इसमें प्लेट को इंस्टॉल करना है इस तरह से, इसके होल को हमें मैच करके इसमें लगाना है यहाँ पर। तो इसके 4 स्क्रू लगा देने हैं और अभी इसको हम बराबर टाइट करेंगे। हमने इस स्क्रू को चारों को बराबर टाइट करना है। हल्के हल्के हम एनामोल लगा लेते हैं, हल्के हल्के एनामोल की जरूरत होती है। अगर नया इंजन है तो ना भी लगाए तो हल्का सा ग्रीस लगाए या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं, बट इसमें कुछ पार्ट उभरे उभरे हुए से हैं तो इसलिए हम हल्के हल्के इसमें एनामोल लगा लेते हैं। उसके बाद हमने इसमें गैसकेट को लगा देना है। गैसकेट के जो सुराख हैं उसको बिल्कुल सही लगाना है हमें। अभी अपनी जगह पर बिल्कुल सही बैठ गया है और इसकी सील को हमने नया लगाया है यहाँ पर। ये जो क्लच लिफ्टर है इसमें हल्का सा हमने ग्रीस लगाना है। ग्रीस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ लगाते हुए गिरे ना, और उसके बाद चेक करना है कि ये सही से काम कर रहे हैं। देखो ये सही से काम कर रहा है। और लगाने से पहले इसमें दो डावर चेक करने में, एक इधर की गायब है तो इधर की मैं देख लेता हूँ। अभी हम इसको राइट क्रैंक के इस कवर को उठा देते हैं इसमें। ये बिल्कुल बैठ गया। अभी हम बोल्ट को बराबर टाइट कर लेते हैं। हमने बोल्ट को बराबर टाइट करना होगा।
अभी इस इंजन को क्या है हमने वहाँ पर इंस्टॉल करना है इसमें बाइक में। अभी हमारा इंजन बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी इसकी फिटमेंट करने के बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी इसको लेके चलते हैं। अब इसका ये मफलर लगाते हैं, मफलर में ये सील होती है हमारी, इसके ऊपर लगेगी यहाँ टॉप पे, यहाँ पर ऐसे। अगर ये मिस हो जाए तो आपके गाड़ी से आवाज़ फटफट की आती है, अच्छी आवाज़ नहीं आती। लग गई है, इसको मैं टाइट कर देता हूँ। इसको टाइट कर देता हूँ। अभी हमने इसके मफलर को भी इंस्टॉल कर दिया, कार्बोरेटर भी लगा दिया, स्पार्क प्लग भी लगा दिया, हमने हर एक चीज़ को इंस्टॉल किया। अभी इसमें हमने इंजन ऑयल डालकर अभी इसको स्टार्ट कर दिया।